वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूरणेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने। कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृदैक मकरन्दरसोकपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि निरवाभयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्णकनैयालाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। पिछले सत्संग में हमने चिंतन किया था नवीशारण्य क्षेत्र के अंदर में 88,000 ऋषि भगवत प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और उस यज्ञ के अंदर में सुत जी पधारे हैं तो सभी ऋषि लोग महान महान ऋषि लोग वयस्क ऋषिगण सब लोग जैसे ही सुत जी का आगमन होता है सब लोग खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं और उनको आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक व्यासपीठ पर जैसे बिठाया है और आदर के साथ उनको प्रश्न किया है
आदर का अर्थ भी हमने देखा था। आदर, दर मानी डर, आ मानी थोड़ा डर जिसमें होता है, जिसके सामने थोड़ा डर भी होता है और जिज्ञासा भी होती है, उसे आदर कहते हैं। तो आदर के साथ उनको सुत जी को बिठाया है और सुत जी से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए यहां पर बताई है पद्धति बहुत सुंदर, महात्मा लोग समझाते हैं। किसी महात्मा के पास जाएंगे, सन्यासी, त्यागी, विरक्त, उसके पास जाएंगे तो संसार की बात करनी नहीं होती है। संसार की बात करनी है तो फिर महात्मा के पास क्यों जाने का, सन्यासी के पास क्यों जाने का, विरक्त के पास, त्यागी के पास, उपासक या साधक के पास क्यों जाने का? सन्यासी, महात्मा, त्यागी, वैरागी, उपासक, साधक के पास जब जाते हैं तो केवल और केवल भगवत विषयक प्रश्न ही करते हैं और कोई प्रश्न नहीं किया जाता है, केवल भगवत विषयक प्रश्न। और महात्मा भी संसार की कोई बातें नहीं करते हैं। महात्मा कहते हैं, देखो तुम संसार में दिन रात जल रहे हो अशांति से, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक ताप से तुम तप्त तो हो चुके हो। आओ तुमको हम भगवान की कथा सुनाते हैं और उस कथा का श्रवण करके तुम अपने दुख से मुक्ति पाओगे। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। सन्यासी, त्यागी, विरक्त, उपासक, साधक, उसके साथ संसार की कोई विषय की चर्चा नहीं की जाती है, ना राजनीति की, ना समाज व्यवस्था की, ना अन्य कोई आपके व्यक्तिगत सामाजिक प्रश्न या कौटुंबिक प्रश्न, उसकी चर्चा नहीं की जाती है। महात्मा भी कहते, रहने दो, तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे पास रहने दो, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारे पास रहने दो, आओ हम तुमको इस तकलीफ से मुक्त कर देते हैं। तकलीफ से मुक्त होने का एक ही उपाय है, भगवान नाम स्मरण। देखिए रामकृष्ण कथामृत में अभी आता है महेंद्रनाथ गुप्त मास्टर महाशय, वो तो एक तरह से अपने शरीर का अंत करने के लिए जा रहे थे। संसार में इतनी सारी समस्याएं थी उनको, कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक, अनेकों प्रकार की। वो त्रस्त हो चुके थे अपने जीवन से और अपने जीवन का अंत करने के लिए उन्होंने निश्चय बना लिया था। और रास्ते में कहां सिद्धू से मुलाकात हुई और दक्षिणेश्वर में भगवान श्री राम कृष्ण देव के पास उपस्थित हो गए बस। और उसी मुलाकात ने, उसी दर्शन ने अद्भुत मोड़ ले लिया जीवन का और एक अद्भुत जीवन का निर्माण हो गया। तो महात्माओं के पास जाते हैं, महात्माओं से कोई सत्संग करना होता है, महात्मा से जगत की चर्चा नहीं करनी होती है। और महात्माओं के सामने आदर पूर्वक जाते हैं, थोड़ा डर भी होना चाहिए। कहते नहीं, इफ यू विल टेक इट कैजुअली, यू नो, इफ यू विल टेक इट सो इजीली, ना इफ यू आर इजीली एक्सेसिबल टू एनी बडी, देन यू विल नॉट हैव अ वैल्यू ऑफ दैट पर्सन। यदि हम किसी के साथ में, किसी के साथ बहुत सहज रूप से उसके साथ हम मुलाकात कर लेते हैं, सहज रूप से इसका साक्षात हो गया, तो उस व्यक्ति की हमें कीमत नहीं होती है। महात्मा लोग सबके साथ सहज रूप से मिलते हैं, लेकिन हमारे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा बढ़े, भक्ति बढ़े,
उन्होंने जो कथा कही, उन्होंने जो बातचीत कहा कही, उन्होंने जो सत्संग किया, उसको हम हृदयंगम कर सके। इसलिए आदर पूर्वक, विनय पूर्वक, नम्रता पूर्वक उनके चरणारविंद में बैठकर के सत्संग के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, भगवत विषय का प्रश्न पूछा जाता है, तो महात्मा भी प्रसन्न होते हैं। यहां सुत जी को यही कार्य किया गया है, सुत जी के द्वारा यही कार्य किया गया है। शौनक आदि ऋषि लोग नैमिषारण्य क्षेत्र में अनेकों वर्ष पर्यंत चले, ऐसा एक यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में सुत जी का आगमन हो गया है। सभी ऋषियों ने आदर पूर्वक सुत जी को बिठाया है। अब देखिए, सुत जी तो अयोनिज है, और ये ऋषि लोग तो महान ब्राह्मण है, विद्वान पंडित है, फिर भी भगवान की कथा करने वाले को, भगवान के जो लीला की कथा सुनाता है, उसको कितना सम्मान दिया गया है। और सभी ऋषियों ने मिलकर के उनको 6 प्रश्न पूछे हैं। 6 प्रश्न हमने देखा है। पुनः एक बार चिंतन करें कि मनुष्य के एकांत श्रेय का क्या निश्चय किया है, मनुष्य का कल्याण कैसे हो, उसका क्या उपाय है। सरल अर्थ में कहे तो यही, ये प्रथम प्रश्न है। द्वितीय प्रश्न, शास्त्र अनेक है, सभी शास्त्रों का सार क्या है। तृतीय प्रश्न, भगवान अवतार ग्रहण क्यों करते हैं। चतुर्थ प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हुए। पंचम प्रश्न, भगवान अवतार धारण करके क्या कार्य करते हैं। षष्ठम प्रश्न, जब भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम गए तो धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न अद्भुत पूछे हैं। तो उस 6 प्रश्नों का उत्तर हम सरल अर्थ में, संक्षिप्त में चर्चा करते हैं अभी। प्रथम प्रश्न है, प्रथम प्रश्न क्या है कि मनुष्य के एकांत श्रेय का क्या निश्चय किया है, मनुष्य का कल्याण किस में है। तो मां श्रुति, भगवती, आचार्य, संत, महात्मा जन, भक्त जन एक स्वर से उत्तर देते हैं, मनुष्य का कल्याण केवल भगवान की कथा सुनने में है। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदादतम् भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। मनुष्य का कल्याण केवल भगवान की कथामृत का श्रवण करके भगवत प्राप्ति करना, यही है मनुष्य का कल्याण, उसी में मनुष्य का कल्याण है। मनुष्य का कल्याण
भगवत कथा सुनने में ही है, भगवान का चिंतन करने में ही है। हमने पिछले सत्संग में अनेक विध रूप से इसका चिंतन किया है। श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में कहते हैं, स्पष्ट अक्षरों में, स्पष्ट भाषा में, शब्द स्पष्ट शब्दों में कहा उन्होंने, देखो भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो कुछ नहीं हुआ। रुपये पैसे से क्या मिलेगा? रुपये पैसे से खाने को अन्न मिलेगा, पहनने को वस्त्र मिलेंगे, रहने को घर मिलेगा, लेकिन उससे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए रुपया पैसा जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है, जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। जीवन का उद्देश्य ईश्वर को चाहना, ईश्वर को प्रेम करना, यही जीवन का उद्देश्य है। इसी में मनुष्य का कल्याण है कि वो सतत भगवान नाम स्मरण करता रहे, भगवान की लीलाओं की कथा सुनता रहे, भगवान में अपने मन की मति गति और रति को लगा के रखे। देखिए मानव थोड़ा चिंतन करेगा तो उसे पता चलता है, हमारा जीवन इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं है, आहार निंद्रा भय एवं मैथुन करने के लिए हमारा जीवन नहीं मिला है। लोग सोचते हैं अच्छा सा खाएंगे, अच्छे से कपड़े पहनेंगे, अच्छे से घूमेंगे, अच्छे से संसार का उपभोग करेंगे। जिसमें ऐसी बुद्धि वो मानव मूर्ख है, मंद बुद्धि वाला है। भगवान वेदव्यास ने स्पष्ट भाषा में कहा है, इस कली काल में मनुष्य मंद बुद्धि वाले हैं। मंद बुद्धि वाले क्यों हैं? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि केवल भोग में आसक्त हो चुकी है। हम जिसे भोग कहते हैं, आहार निद्रा भय एवं मैथुन के, जिसे हम आनंद कहते हैं, बोले हम भिन्न भिन्न व्यंजन खाना चाहते हैं, भिन्न भिन्न जगहों का खाना खाना चाहते हैं, बहुत अच्छा, कितनी बार खाई हम, क्या वो स्वाद बना रहा? जितना उस भोज्य पदार्थों का भोग किया उतना ही भीतर में अपूर्णता की भावना प्रदीप्त हो रही है। जितना हमने भोग भुगता है, स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग में सुंदर समझाते हुए कहते हैं, मानव तुम चिंतन करो, कुत्ते को आपने भोजन करते हुए देखा है, क्या कुत्ता जितने आनंद से, जितनी एकाग्रता से भोजन का आनंद प्राप्त कर रहा है, क्या हम लोग मानव इतनी एकाग्रता से, उतने आनंद से भोजन को ग्रहण कर सकता है? प्रश्न आकर खड़ा रहता है। हम कहेंगे जी ना। सुअर को गंदगी खाते हुए देखा है और कितनी एकाग्रता से, कितने आनंद से, कितने लगन से वो खाता है, क्या हम उतने आनंद से भोज्य पदार्थ खा सकते हैं? जी ना। बोले यदि भोज्य पदार्थ खाने में ही तुमको जीवन की सफलता, जीवन का आनंद और जीवन का उद्देश्य लगता है तो तुम्हारा मानव जीवन लेना व्यर्थ है। यदि कोई पशु बन जाते तो तुम मानव से अधिक आनंद से उस भोज्य पदार्थ का ग्रहण कर पाते। आहार निद्रा भय एवं मैथुन, मैथुन के कार्य में यदि तुमको आनंद लगता है तो पशु बनते, पशु तो सब समय केवल यही कार्य करता है। पशु जितने आनंद से मैथुन का भोग करता है उतना आनंद से मनुष्य नहीं कर पाएगा। तो तुम मानव होकर तुम
तुम्हारे आनंद, तुम्हारे जीवन का आनंद को तुम केवल आहार, निद्रा, भय एवं मैथुन तक सीमित रखते हो तो तुम पशुतुल्य हो। तुम्हारी बुद्धि मंद है। व्यास जी मानव को सावधान करते हैं। आहार, निद्रा, भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिर नराणाम। मानव तुम मंद बुद्धि वाले मत बनो। आज का मानव सोचता है कि बहुत होशियार है, उसकी बुद्धि बहुत कुशाग्र है। हाँ है, संसार के भोग कैसे प्राप्त करेंगे उसमें कुशाग्र हुई है। अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता में कुशाग्र नहीं हुआ है। हम ध्यान से इसका श्रवण करें। इसलिए कहा कि मानव तुम्हारे जीवन का श्रेय उसी में है कि तुम भगवान नाम स्मरण करके भगवान के अंदर में अपने मन को नियुक्त करो। अपने मन की मति, गति और रति भगवान में लगाओ। द्वितीय प्रश्न किया, सभी शास्त्रों का सार क्या है? हमने पिछले सत्संग में देखा था, शास्त्र दो प्रकार के, ऐतिहासिक एवं शिक्षा प्रदान, घटना प्रदान एवं शिक्षा प्रदान। जो ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं वो घटना प्रदान होते हैं, और जो शिक्षा देने वाले ग्रंथ होते हैं वो पुराण प्रधान है। पुराण शिक्षा प्रदान है, महाभारत इतिहास प्रदान ग्रंथ है, और शिक्षा प्रदान में भी अनेकों पुराण हैं, 18 पुराण और उसके उपपुराण, फिर गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, प्रस्थानत्रयी जो है। उपनिषदों में तो 108 अभी उपस्थित है, उपनिषद केवल 108 नहीं अनेकों है। अभी तो 108 उपलब्ध है, इसलिए हम लोग 108 बोलते हैं। तो कितने कितने उपनिषद पढ़ने जाएंगे, कितनी गीताओं की टीका पढ़ने जाएंगे, ब्रह्मसूत्र के ऊपर कितना चिंतन करेंगे, और ये 18 पुराण में से कितने कितने पुराण पढ़े, गरुड़ पुराण पढ़े, विष्णु पुराण पढ़े, स्कंद पुराण पढ़े, बोले पद्म पुराण पढ़े, भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़े, क्या क्या पढ़े बोले। और इतना तो जीवन लंबा भी नहीं, इतना समय नहीं है। तो बोले सभी शास्त्रों का सार कही है। तो सभी शास्त्रों का सार एक ही बताते हैं हमारे सभी महात्मा लोग, आचार्य लोग। महाश्रुति भगवती भी कहती है, शास्त्र का सार एक ही है, अपने मन को भगवान में नियोजित करना। श्री रामकृष्ण देव ने कह दिया ना, एक व्यक्ति के ऊपर खत आया कि 5 किलो शक्कर ले आना, 2 किलो आटा ले आना, 1 किलो तेल ले आना, 2 किलो चावल ले आना, 1 किलो दाल ले आना, इत्यादि इत्यादि। पूरी राशन की लिस्ट आ गई है। अब वो व्यक्ति खत जो आया है उसको पढ़ता रहेगा तो कुछ नहीं आने वाला है। उसको पढ़ा फिर क्या करेगा, वो बाजार में जाएगा और चीजें खरीदना शुरू करेगा। शास्त्र ने हमको कहा कि ये करना है, और इसलिए इसको करना हम आरंभ कर देंगे। बोले भागवत की कथा कितनी सुनी? कई लोग कहते ना महाराज कितनी, हमने महाराज हमने तो बहुत भागवत की कथा सुनी, महाराज हमने बहुत बार भागवत पढ़ा। अच्छा है, सुनना चाहिए, अधिक से अधिक श्रवण करना ही चाहिए। कहां तक करेंगे? बोले कल्प पर्यंत नहीं। बोले कैसे कल्प पर्यंत नहीं? बोले एकदम, बोले जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए।
तब तक भागवत का श्रवण करते रहो। श्रवण करना ही चाहिए, पुनः पुनः पठन करना ही चाहिए, पुनः पुनः। लेकिन और गहराई से देखे, गुढ़ार्थ से देखे, तो भागवत की कथा कितनी सुनी, जितनी हमने हमारे जीवन में उतारी उतनी ही सुनी है। बिना जीवन में उतारा हुआ ज्ञान वो तो जैसे एक गधा चंदन का आभार धो रहा है। हम सबकी ये अवस्था हो जाती है। इसलिए आचरण में उतारा हुआ ज्ञान ही ज्ञान है, अन्यथा वाग वैखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम, इससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जो है शास्त्र अनेक है, उस सभी शास्त्रों का सार अपने मन को भगवान में लगाना, बस दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही है। तृतीय प्रश्न पूछा गया, भगवान अवतार धारण क्यों करते हैं? परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधुनां, भगवान अपने जो भक्त हैं साधु हैं उनकी रक्षा के लिए, उनके आनंद के लिए, उनके आनंद में वृद्धि करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय और धर्म की संस्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में अवतार धारण करता हूं, भगवान ने स्पष्ट कह दिया। भगवान के अवतार का प्रयोजन होता है। अवतार क्या है वो हमने देखा है, अवतरण, अवतरण होना। कहां से अवतरण हुए? भगवान बोले अनेकों के हृदय में जो भगवान विद्यमान है वही अधिभूत के रूप में प्रकट हो गए हैं। यह अवतार की विस्तृत रूप से हमने चर्चा की है, इसलिए भी उस अवतार की चर्चा में हम नहीं प्रविष्ट होंगे। तो भगवान का अवतार इसलिए होता है, भक्तों को आनंद देने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान के अवतार कितने होते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण में 24 अवतार बताए हैं, और यही श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है अवताराः असंख्याः, अवतार अनेक होते हैं। अवताराः असंख्याः, ये जगत का निर्माण होना, जगत जगत का प्रकट होना, वही भगवान का सबसे बड़ा अवतार है। अभी अभी हमने चिंतन किया है, जन्मादस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट तेने ब्रह्महृदय आदि कवये महियन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमहि। जगत का जो अवतीर्ण होना वो क्या है? वो भगवान का ही अवतार है, भगवान ही तो प्रकट हुए मृत्तिका में से। बोले घड़ा बना, सकोरा बना, तवा बना है, थाली बनी है, चिमटा बना है, सुवर्ण में से ही कुंडल बने, करधनी बनी है, हार बना है, मंगलसूत्र बना है, नथनी बनी है, अंगूठी बनी है, पायदान बना है, बस यही है। तो अवताराः असंख्याः, अवतार असंख्य है।
अवतार को हम समझ नहीं पाएंगे। टू अंडरस्टैंड द डिविनिटी वी मस्ट बी डिवाइन, स्वामी विवेकानंद समझाते हैं। जब तक हम स्वयं दिव्य नहीं बनेंगे तब तक दिव्यता को पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए अवतार को कौन पहचान सकता है? श्री रामकृष्ण देव को कौन पहचान पाया था? उन्हीं के अंतरंग सन्यासी शिष्य कहते हैं, हम श्री रामकृष्ण देव को एक महापुरुष, एक अद्वितीय संत पुरुष के रूप में देखते थे, हमें मालूम नहीं था कि अवतार है। यद्यपि श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं कहा है कि जो राम थे, जो कृष्ण थे, वो इस बार रामकृष्ण के रूप में आए हैं। अपने अंतरंग सन्यासी शिष्यों को कहा है, स्वामी अभेदानंद जी, जब श्री रामकृष्ण देव की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी 1936 में, तब ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर से जो स्वामी अभिदानंद जी महाराज श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य, उन्होंने जो प्रवचन दिया है उसमें कहते हैं, श्री राम कृष्ण आमादिक के बहुबार बोलिया छिलेन, जिनी राम छिलेन जिनी कृष्ण छिलेन, इदानीम राम कृष्ण। श्री रामकृष्ण देव हमें बहुत बार कह चुके हैं कि जो राम थे, जो कृष्ण थे, वो इस बार राम कृष्ण के रूप में आए हैं। राजा छद्मवेश में नगर भ्रमण करने को निकला पर कोई पहचान नहीं पाया। यही सिद्धांत है। तो बोले अवतार कितने हैं? अवताराहा असंख्याहा। फिर कहते भगवान क्या कार्य करते हैं? भगवान क्या कार्य करते हैं? मंगलाचरण के अंदर में भी हमने देखा था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तावत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और भगवान का कार्य क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि का जो कारण है, विश्व की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय का जो कारण है, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। भगवान क्या कार्य करते हैं? बोले सर्जन करते हैं, जो सर्जित है उसका पालन करते हैं और संहार करते हैं। बोले भगवान ने किसका सर्जन किया? बोले मनुष्यों के हृदय में भगवान ने, उनके भक्तों के हृदय में भक्ति का संचार किया, भगवान की भक्ति के बारे में आनंद जो प्रकट किया, भक्ति का संचार किया, सर्जन किया। भगवान की लीला भक्तों के हृदय में भक्ति का प्रकटीकरण करती है और फिर भक्त उसी लीला का आस्वादन करता रहता है। वाह मेरे प्रभु क्या सुंदर भक्त, अद्भुत तुम्हारी लीला है। बरहाबीडम नडवर बबू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास खनगगभीषं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रावेणु रदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीत गीरदी। भगवान के इस स्वरूप को देखकर आनंद प्रकट हो रहा है, भक्ति के कारण हृदय पुलकित हो रहा है, उस भक्ति की भगवान वृद्धि करते हैं, पोषण करते हैं भक्त के हृदय में। ये भगवान की स्थिति लीला, सर्जन किया भक्तों के हृदय में भक्ति का और उसका पालन किया, आनंद दिया और फिर संहार करते। किसका संहार? अरे अविद्या विषयक जो वृत्तियां हैं, अविद्या
जो है उसका नाश करते हैं भगवान, वासनाओं का नाश करते हैं, अज्ञान का नाश करते हैं। नष्ट प्रायेश्व भद्रेशु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अभी अभी आएगा, द्वितीय अध्याय में आता है। नष्ट प्रायेश्व भद्रेशु नित्यं भागवत सेवया, सतत भगवान की भक्ति करने से नष्ट प्रायेशु, नष्ट प्रायेश्व भद्रेशु, जो अविद्या है वो उसका नाश हो जाता है, हमारे हृदय में से वासनाओं का नाश होता है। कितनी अद्भुत बात बताई भगवान ने। तो भगवान सर्जन करते हैं, पालन करते हैं, और संहार भी भगवान ही करते हैं। इस सृष्टि का सर्जन भी भगवान करते हैं, पालन भी भगवान करते हैं, और संहार भी भगवान करते हैं। द्वारिका का निर्माण किया कने श्री कृष्ण ने, और उसी द्वारिका को डुबा भी दिया। श्री कृष्ण को द्वारिका बनाने के समय इतना हर्ष भी नहीं हुआ है, द्वारिका को डुबाते समय उनके नेत्र का एक कोना तक भीजा नहीं है। श्री कृष्ण में आनंद सदैव बना रहता है। तो भगवान क्या कार्य करते, यही कार्य करते। और फिर कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने जब स्वधाम गमन किए तो धर्म किसकी शरण में गया। कितनी अद्भुत बात बताई, धर्म किसकी शरण में गया। तो बोले देखो, आजकल मनुष्य जो है भगवान नामस्मरण नहीं कर पाता है, मनुष्य धर्म का अनुसरण नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि हृदय के अंदर में धर्म की जगह राग द्वेष बैठ गया है। जिसके प्रति राग है अर्थात प्रीति है, उसका अधर्म भी हमको धर्म लगता है। जिसके प्रति द्वेष है उसका धर्म भी हमें अधर्म लगता है। शांत चित्त से इसका श्रवण करें। तो धर्म किसकी शरण में गया, भगवान ने जब स्वधाम गमन किया तो धर्म किसकी शरण में गया। ये अद्भुत प्रश्न पूछे, ये 6 प्रश्न आने वाले सत्संग के सत्रों में हम इसकी विशद चर्चा करने का प्रयास करेंगे। संक्षिप्त में सरल अर्थ से अभी यहीं पर इसका हमने अर्थ देखा, अब प्रसंग में आगे प्रविष्ट होते हैं। देखिए, सूत जी को जब प्रश्न किया गया है तो सूत जी बहुत आनंदित हुए हैं, गदगद हुए। जब प्रश्न करता है तो उस प्रश्नकर्ता को ऐसा कहना कि तुम मूर्ख के जैसा सामान्य प्रश्न करते हो, क्या इतनी अकल नहीं है तुम्हारे में, ये शब्द बोलना उचित नहीं होता है। प्रश्नकर्ता के प्रश्न को समझ करके प्रश्नकर्ता के पास से ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखनी है। प्रश्नकर्ता के प्रश्न को सुन करके उत्तरकर्ता उसके प्रश्न की प्रशंसा करे और उसका आदर के साथ प्रेम भाव से उसका निराकरण करे। तो सूत जी ने यहां यही कहा, आपका प्रश्न अत्यंत सुंदर है, 6 प्रश्न में सारा जीवन आ गया है, सारा जीवन ये 6 प्रश्नों में है कि आपने सुंदर प्रश्न किया है। और मुख्य प्रश्न तो यही है, भगवान जब स्वधाम गए, इस धराधाम को छोड़कर के गए, तो धर्म किसकी शरण में गया। और मनुष्य का परम श्रेय किस में है, एकांत श्रेय का क्या निश्चय किया है मनुष्य के। सूत जी को रोम हर्षण भी कहते हैं। रोम हर्षण क्यों कहते हैं?
क्योंकि सूत जी जब कथा करते हैं तो जो श्रवण करता है, श्रोता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनका हृदय पुलकित तो हो जाता है। अरे उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है, वो आनंदित तो हो जाते हैं, इसलिए उनको रोम हर्षण नंदन कहा है। रोंगटे खड़े हो जाते, रोमांचित तो हो जाते हैं श्रोता लोग, अरे आनंद से नृत्य करते हैं। भगवान के पीछे जो प्रेम है, उस प्रेम में चाल जो है नृत्य बन जाती है। नृत्य किसे कहते हैं? भगवान के प्रेम में चाल जब नृत्य बन जाती है, चाल ही नृत्य बन जाती है, यही नृत्य है। और भगवान के पीछे प्रेम में, मानी भगवान के प्रेम में शब्द गीत बन जाते हैं, यही भजन हो गया, गीत हो गया। तो जब श्रोता लोग सुत जी से अर्थात रोम हर्षण नंदन से भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, वाह रे वाह, उनका हृदय पुलकित तो हो जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आनंद आनंद हो जाता है, अरे आनंद की फुहरिया फुहरने लगती है। इसलिए कहा कि उनका नाम दिया है रोम हर्षण नंदन। अब जब ये प्रश्न किया गया तो सूत जी अर्थात रोम हर्षण कहते हैं कि आपका प्रश्न अत्यंत सुंदर है। मैं उत्तर देने से पहले भागवत के जो प्रधान वक्ता है उसकी हम स्तुति कर ले। पहले गुरु की स्तुति की जाती है, और हम सब लोग जानते हैं कि भागवत के प्रधान वक्ता कौन है। भागवत के तो वक्ता एक ही है, हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान श्री सुखदेव जी महाराज। तो सुखदेव जी भगवान की वंदना करते हुए कहते हैं, यम ब्रव्रजंद अनुवेदमेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। यं ब्रव्रजन्दमनुवेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयदयातरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। और भी वंदना करते हुए कहते हैं, यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीप मदितीतीर्षतां तमुन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना। अद्भुत वंदना की है। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम्। उसके पहले कहा यम ब्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। जिसने जन्म धारण करते ही अपने पिता को कह दिया, मैं आपका पुत्र नहीं हूं और आप मेरे पिता नहीं है। 12 वर्ष तक तो सुखदेव जी मां के पेट से बाहर निकले नहीं है। पुराण में आता है शुकः स्वयं शिव, स्वयं शिव जी सुखदेव बन करके प्रकट हुए हैं। सुखदेव जी जब तक मां के गर्भ में थे, व्यास जी यदि वेद का पाठ करते कहीं क्षति हो जाती है तो भीतर से आवाज आती है कि यह पाठ ऐसा नहीं, यह ऐसा है। व्यास ऋषि ने कितनी प्रार्थना की कि प्रभु भगवान आप बाहर निकलिए, जो भी है बार बार वर्ष के तक माता के पेट से बाहर निकले नहीं है। भीतर से आवाज आती है कि हम बाहर निकलेंगे तो माया हमें पकड़ लेगी, हम माया में फंस जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं
और कहते आप बाहर निकलिए, आपको माया स्पर्श तक नहीं करेगी। क्या सुखदेव जी को माया कभी स्पर्श करने वाली थी? ना, भगवान की अद्भुत लीला है मानव को समझाने के लिए सुखदेव जी का महत्व। भगवान आकर स्वयं कहते श्री कृष्ण आपको माया स्पर्श नहीं करेगी, आप बाहर निकलिए। और सूत जी जब बाहर निकलते हैं, अभी तो नाल छेदन भी नहीं हुआ है, और सूत जी दौड़ लगाते हैं, बोले संस्कार की यहां कोई आवश्यकता ही नहीं है। विकार हो तो संस्कार की आवश्यकता पड़े ना, जहां विकार ही नहीं है तो फिर संस्कार की आवश्यकता कहां से होगी। कोई भोग के कारण, अतृप्त इच्छा के कारण, वासना के कारण या कर्मों का क्षय करने के लिए सुखदेव जी का जन्म नहीं हुआ है। वो कैसे है? बोले वो तो परम पद है, वही स्वयं प्रत्येक चैतन्य अभिन्न ब्रह्म है, इसलिए यहां पर संस्कार की आवश्यकता नहीं है। 16 संस्कार में से किसी भी संस्कार की, नाल छेदन से लेकर के कोई संस्कार की आवश्यकता नहीं है। अरे कहते हैं जहां बाल उगते ही ना हो तो फिर वहां पर कातर चरणागति का मतलब क्या है? जहां शरीर ही मैला ना होता हो तो फिर स्नान करने की आवश्यकता क्या है? सुखदेव जी अविकृत परमात्मा है। सुखदेव जी का स्वरूप बताए कैसे हैं? अविकृत परमात्मा है सुखदेव जी। अरे ऐसे संतान है जो जन्म लेते ही जब दौड़ती है तब व्यास ऋषि उनके पीछे पीछे दौड़े हैं और कहते हावत्स हावत्स हावत्स, और तब तक तो अदृश्य हो गए। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानितोस्मि। तब वृक्षों ने उत्तर दिया। बोले वृक्षों ने कैसे उत्तर दिया? उत्तर तो उन्हीं को देना चाहिए था, वो तो अदृश्य हो गए। अरे वृक्षों में जो प्रत्येक चैतन्य अभिन्न है, वही सुखदेव जी में भी वही प्रत्येक चैतन्य अभिन्न है, और सुखदेव जी वही स्वयं प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न है, प्रत्येक चैतन्य भिन्न है। वृक्ष का तो केवल शरीर बाहर से अलग है, बाकी चैतन्य तो सब में एक ही है। मनुष्य पशु पक्षी कीट वनस्पति सब में एक है, इसलिए वृक्षों के अंदर में जो प्रत्येक चैतन्य अभिन्न है, वही सुखदेव जी में भी प्रत्येक चैतन्य अभिन्न है, तत्व एक ही है। इसलिए बोले वृक्षों ने उत्तर दे दिया, हे महामुनि व्यास, जिसे आप केवल अपना पुत्र समझ रहे हैं, वो केवल आपका पुत्र नहीं है, वो तो इस चराचर जगत में व्याप्त जो शिव तत्व है वह है। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोस्मि। यह श्लोक श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भी आया है, पद्म पुराणांतर्गत के अंदर में हमने उसकी विशद रूप से चर्चा की है, चिंतन किया है। फिर क्या कहा? यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम। बोले जिसने अपने अनुभव से श्रुतियों की अपना असाधारण ज्ञान जिसने इस श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा प्रकट किया है, अपना स्वानुभव जिसने प्रकट किया है, अपना असाधारण प्रभाव भागवत में जिसने प्रकट कर दिया है, यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम। श्रुतियों का सार, वेदों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत। यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मदिति तिरशताम तबुंधम। जो लोगों के लिए अद्भुत ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान का दीपक है, अध्यात्म दीप मतित तीर्षताम तमोंधम। इस श्रीमद् भागवत के बराबरी का जगत में कुछ भी नहीं है। जो श्रीमद् भागवत में नहीं है वो कहीं नहीं है,
और जो सब जगह है भागवत में है वही सब जगह है, जो भागवत में नहीं है वो कहीं नहीं मिलेगा, और भागवत में है वही सब जगह भरा हुआ है, जो हमारे अंतःकरण का दीपक है। अध्यात्म दीप मतिति तीर्षताम तमोन्दम, जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश में ले जाता है, जो हमें प्रकाश देता है, ज्ञान देता है। अध्यात्म दीप मतिति तीर्षताम तमोन्दम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यासूनुमुपयामि गुरु मुनीना। जो संसारियों पर कृपा करने के लिए आए हैं, संसारियों पर कृपा करने के लिए जिसने भागवत का अद्भुत ज्ञान प्रकट कर दिया, जिसने भागवत की अद्भुत कथा कर दी, बोले संसारी। संसारी का अर्थ यहां पर केवल गृहस्थ मत समझिए, सब लोग संसारी है। जो जन्म मरण के, जन्म मृत्यु के चक्कर में सतत घूमता रहे उसका नाम संसारी। चाहे वो लाल पहने हो, सफेद पहने हो, पीले, लीले, काले, जो गिनना है गिनिए, कुर्ता पायजामा पहना हो या धोती पहना हो, कुछ भी पहना है, कपड़ों से कोई मतलब नहीं रहता है। त्रिपुंड किया हो या वैष्णव तिलक किया, कोई भी तिलक किया हो या बिना तिलक वाले है, या माथा मुंडन कराया या जटा बढ़ाई है, कुछ भी हो, हम ये ध्यान में रखें इस बात को कि संसारी किसे कहते हैं। जो सतत जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते उसका नाम है संसारी। तो संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यासूनुमुपयामि गुरु मुनीना। ऐसे सुखदेव जी जो हमारे गुरु है उनकी प्रथम वंदना करते, सबसे प्रथम वंदना गुरु की ही की जाती है। गुरु यदि जीवन में नहीं है तो वेदों का अपौरुषेय या ज्ञान हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। प्रत्येक चैतन्य भिन्न ब्रह्म जो है वो हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है बिना गुरु किए। गुरु तो इस जीवन में करना ही पड़ता है, इसलिए कहते हैं जो गुरु आश्रित नहीं हुआ है उसका जीवन व्यर्थ है। जीवन में गुरु तो अवश्य होना चाहिए, बिना गुरु हमारे जीवन की नौका को आगे कौन ले जाएगा। दीक्षा गुरु एक होते, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, वो सब गुरु तुल्य ही है, क्योंकि हमारे गुरु ही अनेक रूपों में आकर के हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। तो कहा कि जीवन में गुरु आवश्यक है, बिना गुरु का जीवन नहीं हो सकता है। बिना गुरु का जीवन जैसे नौका बिना उसका पाल चढ़ाए नौका का क्या अवस्था होगी, नौका भंवर में जाकर के नदी में डूब जाएगी। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन डूबता है, वो जीवन में डूबता है। देखिए यहां महात्मा लोग भी नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। नैमिषारण्य कहाँ है आप लोगों को अधिभूत रूप से, वो तीर्थ में आप सब लोग गए भी होंगे, कोई कोई ने दर्शन किया भी होगा तीर्थ का। तीर्थों में तो जाना चाहिए, तीर्थ का दर्शन करना चाहिए। नैमिषारण्य अधिभूत रूप से लखनऊ से 50-60 किलोमीटर दूरी पर है, अधिक से अधिक 70 किलोमीटर। बहुत सुंदर जगह है, चक्रतीर्थ है, जहां पर वो चक्र शांत हुआ था, ब्रह्मा जी ने जो अपना चक्र छोड़ा था वो चक्रतीर्थ है, सरोवर है, वहां जाकर स्नान करते हैं। सामने भगवान ब्रह्मा जी का और श्रीहरि नारायण का मंदिर है, वहां माता का मंदिर भी है, शक्तिपीठ भी गिनी जाती है, अद्भुत है वो। देखिए तीर्थवास में जाएंगे तो श्रद्धा लेकर के जाइए। कई लोग तीर्थ में जाते तो कहते बहुत गंदगी है,
यहाँ तो सब व्यापारी से दुकानदार से लेकर के सब लोग लूटते हैं, भिखारी लोग अपना पीछा नहीं छोड़ते हैं, वहां पर पुजारी लोग भी इतना परेशान करते हैं, स्वामी जी हमारे तो तीर्थ के प्रति श्रद्धा ही नहीं रही है। मानव ये भगवान की माया है, माया को पहचानो। तीर्थ जागृत होते हैं, यदि श्रद्धा के साथ गए तो अनुभव होता है। हमने कई बार बताया तीर्थों के अनुभव महात्माओं के, ये सब भगवान की माया है। ये अद्भुत स्वरूप तो बदलता रहता है, कभी स्वच्छ है कभी गंदा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमने थोड़े दिन पहले सत्संग में चिंतन किया था, एक महात्मा को अपने शिष्य उनके शिष्य ने कह दिया कि महाराज वृंदावन में ये जमुना जी अभी सूख गई है, बहुत गंदी हो गई है, बहुत प्रदूषण वाली हो गई है, थोड़ा दिल्ली की ओर चले जाए, वहां पर जमुना जी अभी अच्छी है। जब तक ये शिष्य ने ये शब्द कहा, महात्मा ने सामने घड़ा पड़ा था मिट्टी का घड़ा मार दिया है। बोले जमुना जी को तो हम हमारी मां, जमुना जी को ऐसा कहते हो? जमुना जी तो महारानी है, श्री कृष्ण की पटरानी है, देखो देखो जमुना जी क्या कैसी गंदी है, प्रदूषण वाली है। और उसको दर्शन करवाया, दिव्य यमुना जी का दर्शन हुआ है, जिस यमुना जी को वो सुखी सुख गई ऐसा बोलता था शिष्य, जो यमुना जी को वो प्रदूषण वाली बोलता था, गंदी बोलता था, उस दिव्य यमुना जी का दर्शन कराया और कहा देख देख लगा डुबकी उसमें, तुम्हारे सब पाप धुल जाएंगे। और शिष्य ने किया, कांच जैसा निर्मल स्वच्छ जल था और सुंदर अद्भुत अद्भुत रत्न भरे हुए उस यमुना जी के अंदर में। हमारी दृष्टि अत्यंत स्थूल है, इसलिए तीर्थों का सूक्ष्म स्वरूप और आध्यात्मिक स्वरूप हम देख नहीं पा रहे हैं। और स्थूल स्वरूप को देख करके चिल्लाते रहते हैं, वो गाड़ी भी जाती है तीर्थ यात्रा करने, हम भी जाते हैं, जैसे गए वैसे ही वापस आए, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ पैसा खर्चा करके घूम लिए, तीर्थवास नहीं किया है, दर्शन नहीं किया है। बोले कहाँ गए थे? घूमने गए थे। ठीक ही है, तीर्थ का दर्शन ऐसे नहीं किया जाता, यदि श्रद्धा नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और श्रद्धा होती है तो तीर्थ बोलते हैं। तो नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर अद्भुत तो तीर्थ है, और जीवन में तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। एक ही जगह पर आज इतने हजारों वर्ष से इतने हजारों हजारों अनगिनत मनुष्य भगवान की प्रार्थना करते हैं, उस स्थान का वातावरण अत्यंत पवित्र हो जाता है। इसलिए तीर्थ में जाकर के करना चाहिए, तीर्थवास करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, तीर्थ में जाकर भगवान के दर्शन करने चाहिए। चले जाइए वृंदावन, वृंदावन तो भगवान तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो भगवान का हृदय है। प्रयागराज जाइए, वाराणसी जाइए, चार धाम चले जाइए, बेलूर मठ चले जाइए, कमारपुकुर जयराम वाटी जहां भगवान का अवतार ने जन्म धारण किया है, क्या अद्भुत वातावरण है। कलकत्ता शहर तो कितना बाप रे बाप कोलाहल से भरा हुआ है, जैसे बेलूर मठ के प्रांगण में प्रवेश करते हैं जिससे लगता नहीं कि ये जगह यहां पर है, एक अद्भुत जगह। अरे मथुरा से जब आप वृंदावन आते, मथुरा में कितना कोलाहल है, लेकिन जैसे वृंदावन की ओर आते हैं देखिए मन बदलने लगता है, चिंतन बदलने लगा, और जहां पर वृंदावन के अंदर में प्रवेश कर दिया, हा हा काशी शहर में चले जाइए, कितना घोंघाट होता है, ट्रैफिक की आवाज है, चिल्लाहट है, लेकिन जैसे ही गोधुलिया चौक से हम भीतर चले जाते हैं मन बदल गया, पूरा मन शांत हो गया, कब बाबा के दर्शन हो। असिधिगिरि समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरवर दरुशाखा लेखनी पत्र मुरभि लिखित यदि गृहीत्वात् शारदा सर्वकालम तदभिदव गुणानाम ईशपारम नयाति। अरे दशाश्वमेध घाट पर बैठ जाइए, मणिकर्णिका घाट पर चले जाइए, सतत चिताएं जल रही है,
वैराग्य देगा। अरे घाटों का दर्शन कीजिए, नौका में बैठकर माँ गंगा जी के वक्षस्थल पर बैठकर के गंगा जी की आरती कीजिए, हरिद्वार में आरती कीजिए गंगा जी की, क्या धन आनंद आता है। बेलूर मठ में संध्या आरती कीजिए, आगे सन्यासी वृंद बैठे, ब्रह्मचारी वृंद बैठे, भक्त लोग पीछे बैठे, और सुंदर आरती हो रही है, जैसे लगता है जगत में ये स्थान अद्वितीय है। जब सब भक्त जन साधु सन्यासी विरक्त त्यागी भक्त सब लोग एक साथ गाते, खंडन भव बंधन जग बंधन वंदी तो माय, कितना अद्भुत वातावरण लगता है। दक्षिणेश्वर से जो चला वो आध्यात्मिक प्रवाह अद्भुत, जैसे गंगा जी का प्रवाह है वैसे दक्षिणेश्वर से आध्यात्मिक प्रवाह चला और उसने समग्र विश्व को प्लावित कर दिया अपने आध्यात्मिक प्रवाह में, और उस का केंद्र स्थान है बेलूर मठ। भगवान श्री रामकृष्ण देव स्वयं बोले स्वामी विवेकानंद को, देख नरेन, तुम मुझे तुम्हारे कंधों पर ले जाकर के तुम जहां बिठाओगे वहीं से मैं समग्र जगत का कल्याण करूंगा। वो है बेलूर मठ अद्वितीय। और प्रातः काल जब मंगला आरती के बाद वहां पर भगवान का स्मरण करने बैठते हैं, अद्भुत है। वृंदावन में रात्रि का समय है, राजा महाराज बताएं बेलूर मठ में प्रातः काल, अरे माँ का जो मंदिर है, अरे माँ के जब अग्नि संस्कार हुए उस जगह पर माँ शारदा देवी के, तो महापुरुष महाराज ने क्या कह दिया, देवी के एक एक अंग गिरा तो एक एक शक्तिपीठ हो गई, 51 शक्तिपीठ है भारत में, सोचो देवी के सभी अंग यहां पर गिरे हैं, ये कितना जागृत स्थान है। माँ शारदा देवी की जय। इस बार माँ स्वयं आकर के वहां पर माँ के पार्थिव देह का अंत्येष्टि संस्कार हुआ है, स्थान कितना जागृत है, जहां पर स्वामी जी स्वयं समाधि लिए अपने कमरे में, और अपने समाधि के माने अपने शरीर जाने के बाद कहाँ उनके अंत्येष्टि संस्कार करना, वो स्थान भी वो स्वयं इंगित करके गए हैं। ठाकुर के इतने सारे अंतरंग सन्यासी शिष्यों का शिष्यों ने जहां पर अपने मानी अपने पार्थिव देह को खत्म किया वहां पर, और उनको समाधि है, समाधि घाट पर दर्शन करते हैं, स्वामी जी का कमरा है, पुराना मंदिर है, अरे हमारे परमाध्यक्ष महाराज जहां पर सतत विराजित है, प्रेसिडेंट महाराज का जो मकान है, परमाध्यक्ष महाराज का जो निवास स्थान, उसको हम सब लोग वंदन करते, महाराज वहां पर उपस्थित है, उपाध्यक्ष महाराज वहां पर है उनको वंदन करते, इतने सारे भक्त साधु महात्मा वहां पर इतना सुंदर जप ध्यान करते प्रार्थना करते हैं, स्थान कितना जागृत है। इसलिए तीर्थ बोलते हैं हम अपने मन को खुला कर रखे, अपने हृदय को तत्पर रखे उस भाव को ग्रहण करने के लिए, तो तीर्थ हमें अद्भुत उत्तर देते हैं। शेष चर्चा कल करेंगे, आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, महामाई श्री शारदा देवी की जय, श्रीमत् स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती वदे हर हर महादेव हर, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो यह न जहो दुःख कल्याण त्रैलो
प्रतिमा महिमा जानकी प्राण रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंद मैं भगवान श्री रामचंद्र के चरण में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्री स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र तो माँ जानकी विराजमान है। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम पूरी जुग पानी। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे, आप सभी से अनुरोध है आप सभी लोग मेरे साथ थी। चर्चा कर रहे थे कि भगवान शिव और सती जी जब
जा रहे थे, भगवान राम का जन्म हो चुका था, राम का वनवास हो चुका था, सीता का हरण हो चुका था। और भगवान शिव राम को प्रणाम करे, सतीदान में परम धाम रहकर सती ने देखा, भगवान शिव ने समझाया कि वो मेरी शिव राम है, लेकिन सती समझी नहीं, उन्हें सीता का रूप धारण कर परीक्षा की, इसीलिए भगवान शिव ने उनका पत्नी के रूप में त्याग कर दिया। बाद में जब दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ तो सती ने वहाँ जाकर अपना शरीर छोड़ दिया। तो सती ने मृत्यु के पहले भगवान राम से प्रार्थना की थी कि मैं भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ, ये मेरा शरीर जल्दी छूट जाए और दूसरे जन्म में फिर मैं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त हो, यही प्रार्थना है, भगवान राम से प्रार्थना की थी। और यहाँ कहते जब सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना शरीर छोड़ दिया तो दूसरे जन्म में क्या हुआ, यहाँ कहते सती मरत हरि सन वरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान राम के पास वर मांगा था, मैं जन्म जन्म में शिव के चरणों में अनुराग रहे, तेही कारण हिमगिरि गृह जाई जनमी पार्वती तनुपा। हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म हुआ उनका। जब ते उमा शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति वह छाई, जब उमा ने जन्म लिया कहते सब संपत्ति वहां आ गई। यहाँ कहते जहाँ तम मुनि सु आश्रम किन्ने उचित बास हिम भूधर किन्ने, आसपास मुनियों ने आश्रम किया और कहते कि सरिता में सुंदर जल बहने लगा, सुंदर वातावरण हो गया। नारद मुनि जब सुना कि पार्वती का जन्म हुआ है तो कहते नारद मुनि आ गए, नारद समाचार सब पाए कौतुहि गिरि गेह सिधाए, शैल राज बड़ आदर किन्ना पद पखारी आसन गिन्ना। नारद मुनि का चरण धो दिया, बिठाया और कहा देखिए मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे घर कन्या का जन्म हुआ है, तो आप तो त्रिका लग गए, आप तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, आप मेरी कन्या के बारे में बताइए। यहाँ हिमालय कहता है त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। आप त्रिकालज्ञ है और आपकी गति सर्वत्र है, वो नारद मुनि स्वर्ग में भी जा सकते, ब्रह्मलोक में जा सकते, शिवलोक में जा सकते, विष्णुलोक में, पृथ्वी पर भी आ सकते। तो कहते गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार, ये मेरी कन्या का क्या दोष क्या गुण है, क्या अच्छा है क्या बुरा बताइए। तो नारद मुनि ने उसका हाथ देखा, कहा कि सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी, ये जो हमारी पुत्री है ना उसको कोई अंबा कहेगा, कोई अंबिका, कोई भवानी कहेगा, कोई उमा कहेगा। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न और होई संतत पीहे प्यारी, वो पति की प्यारी होगी और क्या होगा, सदा अचल ही कर ही वाता यही ते जगु पहु पितु माता, उसका सुहाग अचल रहेगा। होई पूज्य सकल जग माही, सब लोग उनकी पूजा करेंगे, यही सेवत कछ दुर्लभ न, इनकी जो पूजा करेंगे उसको सब सुलभ हो जाए, कुछ दुर्लभ नहीं रहेगा, सब कुछ अच्छा है। कहते हैं कि शैल सुलच्छन सुता तुम्हारी सुनहु जे अब अवगुण दूचार, ये मैंने सब गुण बड़ा अब अवगुण बोलता, दोष क्या है क्या है। कहते हैं अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सर संशय छीना, उसका जो पति होगा ना वो कैसा होगा, अगुण अमान
गुण नहीं होगा, निर्गुण होगा, अमान, मान का भिखारी नहीं होगा। मातु पितु ही ना, माता पिता। देखिए हम लोग किसी कन्या का विवाह करते पहले देखते माता पिता का कुल कैसा है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि मातु पितु ही ना, और क्या उदासीन सब संशय छीना, उदासीन उसका कोई कोई कामना वासना ही नहीं रहेगी उसमें, और क्या श्मशान में वास कर, घर भर नहीं रहेगा। आप सोचिए किसी कन्या का विवाह करने पहले हम देखते हैं घर भर उसका कैसा है, अरे ये दिगंबर रहेगा, कपड़ा नहीं पहनेगा तो दूसरे को क्या पहनेगा। यहाँ नारद मुनि कहते क्या कहते, जोगी जटिल अकाम मन नगनय मंगल वेश, अस स्वामी एही कह मिलही परिहस्त सिरेख। जोगी जटिल अकाम मन नगनय मंगल वेश, अस स्वामी एही कह मिलही परिहस्त सिरेख। नारद मुनि ने कहा कि उसका पति जोगी जटिल अकाम मन, जोगी होगा जटिल होगा, उसमें कोई कामना वासना नहीं, नग्न अमंगल वेश, दिगंबर रहेगा, अमंगल वेश रहेगा। अस स्वामी यही कामिल ही परिहस्त सिरेख, उसकी हाथ की रेखा हमेशा। अब तो उनकी माँ मेनका रोने लगी, अरे मेरी ये कितनी अच्छी लड़की, और उसका ऐसा पति मिलेगा। तो मेनका ने कहा मैं तो शादी नहीं करूँ, उसकी शादी नहीं, वो कुंवारी रहेगी, घर में रहेगी, शादी नहीं होगी। लेकिन देखिए हिमालय है ना, हिमालय बर्फ का पहाड़, बहुत ठंडा, उसका दिमाग बहुत ठंडा है, विचलित नहीं होता जल्दी। तो उसने ठंडा दिमाग से सोचा कि नारद मुनि आप जो कहते हैं वही होगा, हमको पता है, लेकिन कोई उपाय है क्या, कोई अच्छा उपाय, अच्छा वरी मिल जाए। नारद मुनि ने कहा एक उपाय है क्या, जे जे वर के दोष बखाने ते सब शिव पही में अनुमान, मैंने जो जो दोष कहा ने सब दोष शिव में, और जो विवाहु शंकर सन होई दोष गुण सम कह सब कोई, जो शंकर भगवान से उसकी शादी हो जाए तो दोष गुण हो जाएगा, ये तो भगवान है। लेकिन भगवान शिव के साथ विवाह करने के लिए उसको तपस्या करनी पड़ेगी, वो जो तप करेगी तो भगवान शिव को प्राप्त करेगी। यहाँ कहते हैं पार्वती को तो बहुत आनंद हुआ, वो तो वही चाहती भगवान शिव से शादी था। अब जब पार्वती बड़ी हुई तो यहाँ कहते मेनका एक बार अपने पति को कहती है कि देखिए इसके तो ऐसा पति होगा तुम शादी नहीं करना। तो हिमालय ने बहुत समझाया कि देखो उनको शिव की तपस्या करनी पड़ेगी, तुम उसको समझाओ, अभी थोड़ी बड़ी हुई है, अभी वो तपस्या कर सकती है, तुम उसको तपस्या करने के लिए कहो। अब माँ है ना, माँ गई पार्वती के पास, पार्वती को गोद में बिठा दिया और कहती है कि उमही बिलो की नयन भरी बारी सहित सने गोद बिठारी, बार ही बार लेती उर लाई गद गद कंठ न कछु कह जाए। देख कर इतना अच्छा लग रहा है, अपनी लड़की है ना, वो कैसे बोले कि तुम तपस्या करने के जाओ, वो बोल नहीं सकती, गला रुक जाता है। लेकिन पार्वती वो तो जगत मातु सर्वज्ञ भवान, मातु सुखद बोली मृदुवानी, वो तो सर्वज्ञ अंतर्यामी, वो समझ गई कि माता क्या कहने के लिए आई। तो यहां पार्वती माँ को कहने लगी, क्या कहने लगी, कहने लगी सुनहु माँ तुम्हें दिख अस सपन सुना बहु तो ही सुंदर गौर सुविप्रयस उपदेश
सुनहु मां तुम्हें दिखयस सपन सुनावहु तो ही सुंदर सुविप्रव अस उपदेश सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश हूं। मैंने स्वप्न देखा, स्वप्न में एक ब्राह्मण ने आके मुझे कहा कि तुम शिव की तपस्या, तो माँ तुम मुझे अनुमति दो, मैं शिव की तपस्या करूंगा। माँ तो यही बोलने के लिए आई थी। माता पिता को प्रणाम करके यहां कहते कि तपस्या करने के लिए। देखिए कहाँ तपस्या, कन्याकुमारी जहां एक पैर पर खड़ी होकर तपस्या कर। यहां लिखते अति सुकुमारन तनु तप योग, इतना सुकुमार शरीर था, तपस्या के योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी पति पद सुमेरी तजु सब भोग। देखिए तपस्या करने के लिए क्या करना पड़े, पहले सब भोग का त्याग करना पड़े। मन में कामना वासना रहेगी तपस्या नहीं। यहां कहती पति पद सुमेरी तजु सब भोग। अब क्या हुआ, देखिए तपस्या कर जब भोग का त्याग, मन से कामना वासना चली जाती, तब भगवान के नाम में आनंद होता है। यहां कहते हैं जब उसने सब भोग का त्याग कर दिया, नित नव चरण उपज अनुरागा। देखिए प्रतिदिन उसको अनुराग बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, भगवान का नाम और करे और तपस्या करे, भगवान के नाम में रस आने लगा। देखिए जब कामना वासना चली जाएगी तो भगवान के नाम आनंद आएगा। तो यहां कहते हैं भगवान के नाम में आनंद होने लगा, नित नव चरण उपज अनुरागा, भगवान के नाम अनुराग उत्पन्न हुआ, विसरी देह तप ही मनोराग। देखिए और क्या होता है, भगवान का नाम करके करते करते ये देह का विस्मरण हो जाता। तो यहां कहते कि उनका देह का विस्मरण हो गया, विसरी देह तब ही मन लागा, तब ही तपस्या में मन लगे। जब तक हमारा मन देह पर है भगवान में मन नहीं लगेगा, जब देह की शुद्धि भूत हो जाएगी तब भगवान में मन लग जाता है। यहां कहते विसरी देह तप ही मन लागा, कैसे तप कर रही है पार्वती, कहते संबत सहस मूल फल खाए, कहते 1000 साल तक फल मूल खाए, बाद में सागु खाए सत बरस गवाए, साग खाकर 100 साल बिताए, कुछ दिन भोजन बारी बात आशा, कुछ दिन खाना त्याग कर दिया, बारी बात आशा पानी बस बाता पवन, किए कठिन कछु दिन उपवास है, कुछ दिन वो भी त्याग, बस उपवास पानी भी छोड़, बेले पाती मही पर ही सुखाई, तिनी सहस संबत सुई खाई, जो बिल्व पत्र नीचे गिर जाता सूख जाता था वो खाती थी। और बाद में कहते 3 सहस संबत 3000 साल तक सूखा बेल पाता खाए, बाद में पुनी परिहरे सुखायु पर्ण वो भी त्याग कर दिया, तो सूखा बेलपाता खाना भी त्याग कर। उमही नाम तब भयु अपर्णा, तब क्या हुआ, उमा का नाम अपर्णा हुआ, देखई उमही तप हीन शरीरा ब्रह्म गिरा भे गगन गत। देख ऐसी तपस्या करे भगवान। देखिए हम तो थोड़ा बहुत भगवान का नाम कर रहे हैं तो बाद में बोलते कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए यहां पार्वती कैसी तपस्या कर, और ऐसी तपस्या करने से क्या हुआ, आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि अस तपु काहुन किन्न भवानी, ऐसी तपस्या किसी ने अभी तक नहीं की, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी, बहुत मुनि ज्ञानी सब हो गए, ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। अब उर धरऊ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुख जानी, अब तुम सुनो क्या होगा। यहां कहते कि आवे पीता बोलावन जब ही हट परी घर जाहूं तब ही, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई है, जब पिता तुमको बुलाने के लिए आएगा तुम घर जाना।
और क्या मिलही तुम्हें जब सप्त ऋषि सा जान ही तो प्रमाण ऋषि, जब सप्त ऋषि आ जाए तो यही प्रमाण है कि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, तुम घर जाना शिव के साथ तुम्हारी शादी। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ कहते हैं भगवान शिव क्या हुआ, देखिए जप ही सदा रघुनायक नामा जहाँ तो सुन ही राम गुण ग्रामा चिदानंद सुख धाम शिव विकत मोहम्मद काम वितरे मोहितरी हरि सकल लोक अभिराम। भगवान शिव राम का नाम, राम का नाम करते 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 समाधि बन। यहाँ कहते कि पार्वती तपस्या कर, अब इस समय क्या हुआ, कहते ताड़कासुर उसने बहुत तपस्या की, ब्रह्मा के पास वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा, वो तो पहले अमर बनना चाहता है लेकिन अमर तो किसी को वरदान नहीं मिलता, उसने तो अमर तुम नहीं होगे। तब उसने कहा कि मैं शिव के पुत्र से मेरी मृत्यु हो। अब उसको ताड़कासुर को पता है कि शिव की सती से शादी हुई थी, सती को योग 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 योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई, अभी तो शिव शादी नहीं करेंगे और मैं किसी मरूंगा नहीं। ब्रह्मा ने तथास्तु बोल दिया और उसने तो बस स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवता को स्वर्ग से भगा दिया, ताड़कासुर को तो कोई मार नहीं पा रहा है कि शिव के पुत्र से उसकी तो मृत्यु होगी, भगवान शिव समाधि में क्या होगा। अब देवता ने सोचा कि इसकी समाधि जो टूट जाए तो शादी से वर्णत होगी, इसीलिए क्या किया, कामदेव को बुलाया कि तू जाके शिव की समाधि भंग करो। कामदेव ने कहा देखिए ये मेरे बस की बात नहीं, शिव की समाधि भंग करना मेरी बस की बात है, आप बोल रहे मैं जा रहा हूं लेकिन मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं। कामदेव को पता है कि शिव की समाधि तोड़ना क्या ऐसी बात है, तो कामदेव कहाँ ऐसी उसने अपनी माया की सृष्टि की, पूरा जगत काम में हो गया, सिर्फ जो भगवान राम की इच्छा से जिनको काम उत्पन्न नहीं हुआ उसको नहीं हुआ, भगवान राम ने इसकी रक्षा की उसकी रक्षा, बाकी सब काम बस हो गए थे, ऐसी उसने पूरी जगत पर अपनी अपना प्रभाव डाला, समाधि टूट नहीं रहे। यहाँ कहते हैं कामदेव को आम के पेड़ पर उठ गया और कहते कि वो पुष्प बाण मारने लगा, भगवान की समाधि में, और जब पुष्प बाण मारा ना तो भगवान की चंचल हो गए, उसने आंखें खोली तो देखा कि आम के वृक्ष की डाल पर कामदेव बैठा, भगवान शिव का तृतीय नयन खुल गया और अग्नि निकली, कामदेव भस्म हो गया, कामदेव हाहाकार हो गया, कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की जो पत्नी थी रति, वो तो रोती रोती आई भगवान शिव के पास, कर मेरा पति मर्ग अब क्या होगा। तो भगवान शिव ने कहा अनंगो रूप में सबको व्याप्त होगा, तुम चिंता मत करो, तुमको अपना पति फिर मिल जाए। कब, जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण का जो पुत्र होगा प्रद्युम्न, वो कामदेव प्रद्युम्न के रूप में फिर जन्म लेगा, तब तुम पति तुम अपनी पति को फिर पालो। देखिए फिर भगवान शिव तो भगवान का नाम करने लगे। अब यहां कहते भगवान का नाम करते करते क्या हुआ, भगवान राम प्रकट हो गए। यहाँ कहता है प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार संकरी सराहा, तुम बिन अशुभ्रत को निर्वाह। भगवान राम प्रकट हो गए और भगवान राम ने कहा के देखो मैं एक विनती करने के लिए आया। क्या विनती करने के लिए आया, यहाँ कहते अस विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर शिव निजने हूँ, जाई विवाय ही शैल जही, यह मोहि मांगे देहू। अब विनती मम सुनो, मेरी विनती सुनो। देखिए जी सती ने
योगाग्नि अपना शरीर भस्म कर दिया, वही सती ने फिर हिमालय की पुत्री पार्वती होकर जन्म लिया है। यहाँ कहते हैं कि बहुविधि राम शिवी समुझा पार्वती करब जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा के करनी बिस्तर सहित कृपा विवरणी। भगवान राम ने पार्वती के जन्म की पवित्र कथा सुना। देखिए यहाँ एक बात सोचने की है, जिस सती ने भगवान राम की कथा नहीं सुनी वही भगवान राम उनकी कथा शिव को सुना रहे। देखिए ये भगवान राम, ठीक है, सती ने कथा नहीं सुनी, ठीक है, लेकिन भगवान राम उनकी कथा किसको सुना रहे थी, उनको। और कहते मेरी विनती है, क्या मेरी विनती, मेरे पर तो आप बहुत स्नेह करते हैं, तो जाई विवाहु शैलज ही यह मोही मांगे थे। मैं आपके वास्ते कुछ मांगने के लिए, विनती करने के लिए आया हूँ कि आप पार्वती से विवाह कीजिए। यहाँ कह शिव जदपि उचित सुना, भगवान शिव ने अब विवाह करने का मन नहीं है, लेकिन आप जो कहते हैं तो आपकी जो आज्ञा है ना, ये मैं सिर पर धारण करता हूँ। तो भगवान राम ने, नहीं नहीं सिर पर धारण मत कीजिए, क्योंकि आपके सिर से गंगा बहती है, मेरी आज्ञा भी कहीं बह जाएगी, ठीक है ना, आप मेरी आज्ञा तो हृदय में धारण कीजिए। तो कहते कह प्रभु हर तुम्हार पन रहु असुर राखु जो हम कह, मैंने जो कहा ना आप हृदय में धारण। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, अंतर ध्यान भय असभासी शंकर सोई मूर्ति उर्राज, भगवान राम अंतर ध्यान हो, भगवान शिव ने वो राम की मूर्ति को हृदय में धारण। देखिए यहाँ एक बात बहुत सोचने की, जब कामदेव आता है तो भगवान को भस्म कर देती है, राम आते हैं तो उनकी बात मान लेते। तो यहाँ भगवान शिव शादी करते काम के वशीभूत होकर शादी नहीं करते, राम के वशीभूत होकर शादी करते। अब हम फिर कल चर्चा करेंगे भगवान शिव की शादी विवाह कैसे होता है। बहुत बढ़िया विवाह का प्रसंग है, भूत प्रेत पिशाच सब विवाह में आते हैं, बहुत आनंद से विवाह होते हैं। तो आप सभी को निमंत्रण है, फिर आप लोग पधारे, कल भगवान शिव की शादी होगी। अब हम सब मिलकर भगवान श्री राम का संकीर्तन करते, आप सभी से अनुवाद है आप सब मेरे साथ संकीर्तन करें। राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सदगुरु देव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।